हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ व्हाइट हेड जूनियर का जो डेमो क्लास मैं अपने बच्ची को दिलवाई थी उसके बारे में। तो जो व्हाइट हेड जूनियर का जो डेमो क्लास था उसका रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस डेमो क्लास में क्या क्या बताया गया था। तो सबसे पहले उसमें बताया गया था कि अच्छे कोडिंग होता क्या है। सबसे पहले अब आप बच्चे को किस तरह से समझाएँगे कोडिंग क्या है, बच्चे तो डिफिनेशन समझेंगे नहीं। तो क्या होता है कोडिंग, होता क्या है? तो अगर बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जैसे जैसे हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं बच्चे को, जैसे घरेलू काम डेली होता है उस तरह से, जैसे बच्चे को काम करते हैं, जैसे बच्चे को पेरेंट्स लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे ब्रश कर लो, बच्चे नाश्ता कर लो, ये तो क्या बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो जो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करते हैं वही तो क्या हो गया कोडिंग हो गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोडिंग बोलते हैं। एक्चुअली व्हाइट हेड जूनियर क्लास में जो बताया गया था वो क्या बताया गया था मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा ये इस तरह से, ये क्या है अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये राइट, ये लेफ्ट। तो इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, जो एरो है तो अपवर्ड क्या होता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यानी कि जब एरो ऊपर अपवर्ड इस तरह से एरो रहेगा तो वो क्या शो करेगा नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, कोई भी कोई कहाँ किधर जा रहा है नॉर्थ की ओर जा रहा है। अगर एरो डाउनवर्ड है देन वो क्या मूव शो करेगा साउथ की ओर जा रहा है। अगर एरो इस तरह से है राइट डायरेक्शन में देन वो ईस्ट की ओर जा रहा है। अगर एरो इस डायरेक्शन में है देन वो किधर जा रहा है को यहाँ पे यूज करना है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट था मतलब ये डेमो क्लास था वो किसके ऊपर था, एक पजल टाइप का था। मतलब कोडिंग कैसे बच्चा समझेगा, मतलब जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो इट्स लाइक ए पजल, इट्स लाइक ए गेम, तो ये गेम के ऊपर ही बेस्ड था, मतलब पजल टाइप का रहता है। तो यहाँ पे यही चार साइन का हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या रखना है नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, अपवर्ड एरो है तो नॉर्थ जाएगा, डाउनवर्ड है तो साउथ, राइट साइड है तो राइट डायरेक्शन में तो ईस्ट, और लेफ़्ट डायरेक्शन है तो ये बस ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो एक एंग्री वर्ड है सपोज इस तरह का स्क्वायर बना हुआ था, वो एक्चुअली वो ऐप क्या यूज कर रहे थे वो मुझे पता नहीं, वो कौन सा ऐप यूज़ कर रहे थे, बट जो ऐप पे जो प्रोग्राम था वो कुछ इसी टाइप का था। यहाँ पे एक एंग्री वर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये इस एंग्री वर्ड को, इस पिग को हम लोगों को कैच करना है, मतलब इसको यहाँ पर आकर इसको पकड़ना है। तो हम लोग इस पिग, इस एंग्री वर्ड को कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि ये यहाँ तक आ सके, तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम लोग किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि यहाँ पे आ सके। तो इस तरह से कुछ देखते हैं, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम को, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन देते जाना है, ठीक है। तो एंग्री वर्ड को सबसे सबको सपोज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएँगे, वो फर्स्ट ऑफ सब इस यहाँ पे जाएगा, इस डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड जाएगा, नॉर्थ की ओर जाएगा, तो यहाँ कौन सा एरो ऐड करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ वाला ऐड इस तरह से ऐड करेंगे। अब ये फिर अगर हम लोग को फिर ऊपर ले जाते हैं तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से कौन सा एरो देंगे नॉर्थ वाला एरो, ऊपर वाला एरो देंगे। अब फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, देन यहाँ पर भी क्या देंगे हम लोग ऊपर वाला एरो देंगे, फिर ये इधर जा रहा है, मतलब ये कौन सा एरो वाला लगाएंगे, इस टाइप का एरो यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आके इसको कैच करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे कौन सा एरो देंगे, इसी टाइप का एरो देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम का बस एरो ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का था, मतलब यहाँ पे एरो बना हुआ है उसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। उसके बाद एक यहाँ पे रन का इंस्ट्रक्शन बना हुआ था रन करने का, तो अगर प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं, अगर प्रोग्राम रन करता है, रन करवाते हैं, तो अगर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन सही दिए मतलब एरो सही ऐड किए हैं तो ये एंग्री बर्ड कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और इसको जाकर कैच कर लेगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत दिए हैं तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। तो यही यहाँ पर मतलब ध्यान रखना है कि एरो हम लोग को सही देना है। तो यही कोडिंग क्लास में हम लोगों को बताया गया था, मतलब डेमो कोडिंग क्लास में व्हाइट हेड जूनियर की तरफ से। अगर ये इस पाथ को नहीं फॉलो करता है, कुछ कोई और पाथ फॉलो करना चाहता है तो भी उसको हम लोग करवा सकते हैं, उसको दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देंगे दूसरे वे में। तो सपोज क्या कर दे सकते हैं, इस तरह से
अब इस पाथ को ये फॉलो नहीं करता है, अगर दूसरा कोई पाथ हम लोग को इसको देना है, मान लें यहाँ से आया इधर आया, तो ये इधर आके फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ से तो भी जा सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम इसको देंगे, जो कमांड हम इसको देंगे वही इसको ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, वही उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। तो जो कमांड हम पिग ये एंग्री बर्ड को दे रहे हैं, मतलब कौन सा कमांड देंगे, पहले इधर जाएगा, मतलब क्या देंगे इसको, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसको देंगे ये वाला एरो, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये वाला एरो बना हुआ रहता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से उठाकर ड्रैग करके यहाँ से बस सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यही तीन करना है यहाँ पे, सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बस एरो को यहाँ पे ये करना है। बस बच्चे को ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये पहुँचने का रास्ता कैसे है, बच्चे खुद यह समझ जाते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, ठीक है। फिर अब इस बॉक्स में जाने के लिए अब एरो यूज करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग ये वाला एरो देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ से इधर, देन फिर ये वाला एरो ऐड करेंगे, फिर यहाँ से अप जा रहा है, देन अप वाला एरो ऐड करेंगे, देन फिर अप जा रहा है, फिर अप वाला एरो ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कमांड देंगे और प्रोग्राम को रन करवाएंगे। तो अगर कमांड सही होगा तो प्रोग्राम रन कर जाएगा, अगर प्रोग्राम रॉन्ग होगा तो फिर से हम इसको कमांड देंगे। और तो यही था वाइट हैट जूनियर का जो डेमो क्लास था, ऑनलाइन जो डेमो क्लास था वो इसी के ऊपर टोटली बेस्ड था। तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेमो क्लास नहीं दिलवाया, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को कोडिंग नहीं सिखा सकते, इस तरह का आप अपने बच्चे को अपने पेन पेपर पे भी लिखकर आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। तो ये था, मतलब ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बस शेयर कर रही थी कि लाइव डेमो क्लास में वाइट हैट जूनियर की तरफ से क्या बताया गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप बच्चे को इस तरह से गेम खिलाना चाहते हैं तो और भी बहुत तरह इसको बॉक्स को बढ़ा करके और यहाँ पर कुछ कुछ और इंस्ट्रक्शन दे के आप उसको बच्चे को यहाँ पर और मतलब यहाँ पर और बच्चे को यहाँ पर मतलब इंटरटेन मतलब कर सकते हैं बच्चे को एज ए गेम, क्योंकि एक पजल टाइप का एक गेम ही है, एक पजल ही है, ठीक है। तो यही था वाइट हैट जूनियर का डेमो क्लास का एक्सपीरियंस।